हेलो गाइस, आज हम आपको बता रहे हैं ये वाल मिक्सचर लगा हुआ है इसकी ना जो होट वाली साइड है वहाँ से दीवार में से लीकेज आ रही है और हम चेक करेंगे कि ये लीकेज कहाँ से हो रही है। वाल मिक्सचर लेग में से हो रही है या किसी और पॉइंट से है। ये देखिए पानी निकल रहा है यहाँ से, इस साइड से सही है, यहाँ पानी नहीं है। मुझे लगता है इसकी वाल मिक्सचर लेग से ही लीक कर रही है, प्लम्बर ने टैपलन अच्छे से नहीं लगाई है, उसी वजह से ये पानी यहाँ से लीक कर रहा है। और हम आपको खोल के बताएंगे कि इसको कैसे रिपेयर करना है और कैसे लगाना है दोबारा। इसको खोलेंगे दोस्तों, देखिए हम वाल मिक्सचर को खोल रहे हैं। आपने रेंच या फिर स्पैनर जो मिले आप ले सकते हैं, ये वाला नट है जो उसको खोलना है। और सबसे पहले पानी को जो टंकी है उसका पॉइंट बंद कर देना है और जो गीजर का पॉइंट है बंद करके और पाइप में जितना भी पानी है वो निकाल लेना पहले। देखिए दोस्तों, हमने एक पॉइंट खोल लिया है और ये दूसरा खोलने की ज़रूरत नहीं है, और हमने एक ही पॉइंट खोला है क्योंकि लीकेज एक साइड से हो रही है, दूसरे को खोलने की ज़रूरत नहीं है। एक खोल के इसको हल्का सा नीचे कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि लीकेज हो कहाँ से रही है। देखिए ये हमारी वाल मिक्सचर लैग खुल गई है और ये आपकी रेंच से ही खुलेगी, इसके लिए आपको रेंच ही प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये स्पैनर या किसी और चीज़ से नहीं खुलेगी क्योंकि पहले भी प्लम्बर ने पीछे धागा लगाया हुआ है और इसकी वजह से टाइट हो चुकी है। दोस्तों ये देखो, हमें ना इसका रीज़न पता लग गया है वॉल मिक्सचर दीवार में से पानी क्यों आ रहा था। ये देखो यहाँ पे जो एक्सटेंशन निप्पल लगी है ना, ये क्रैक हो गई है यहाँ से, ये यहाँ से फट गई है, ये जो एक्सटेंशन लगी है ये यहाँ से फट गई है। अबे हमें हमें क्या करना पड़ेगा, अबे हमें ये वाली जो एक्सटेंशन है ना ये निकालनी पड़ेगी और यहाँ पे नई एक्सटेंशन डालनी पड़ेगी, क्योंकि वॉल मिक्सचर लेग को हम टेफ्लन टेप से लगा के टाइट तो कर देंगे पर ये खुलती जाएगी यहाँ से और ये यहाँ से पानी इसका आता रहेगा बाहर को, ये दिक्कत है। अभी हमें ये एक्सटेंशन निप्पल ही चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये फट गई है यहाँ से, ये आप देख रहे होंगे। गाइस, जो वाल मिक्सचर की लेग की जगह पर हमको लीकेज दिख गई थी वो एक्सटेंशन में थी और हम एक्सटेंशन को निकालेंगे। ये हम आजकल सारी एक्सटेंशन है जो एल की आती है उसमें एल की पंच, और ये इसीलिए आती है कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप आसानी से खोल सकें। अगर एल की पंच ना हो तो आप हम इसको खोल नहीं सकते। ये देखिए, ये एल की लगा के हम इसको आसानी से खोल लिया है, ये हमारी एक्सटेंशन खुल गई है। ये देखिए यहाँ से एक्सटेंशन क्रैक हो गई है सारी। और हम इसकी जगह पे नई एक्सटेंशन लगाएंगे, ये देखिए।
ये क्रैक है, ये देखिए। देखिए गाइस, हमने नई एक्सटेंशन लगा दी है और हम अब बाल मिक्सचर लेग लगाएंगे। गाइस, अब हम वाल मिक्सचर लेग लगाएंगे। पहले फ्लैंज में वाल मिक्सचर लेग फंसा लेनी है, उसके बाद ये नहीं लगेगी। आप ये गलती कभी मत करिए। अच्छे से टैप में लगा लीजिए कि बाद में आपको लीकेज की दिक्कत ना हो। आप कभी भी अपने घर पे ऐसा काम करवाएं तो हमेशा टेफलन टेप ही लगवाएं, धागे का यूज मत करवाएं। देखिए गाइस, हमने वाल मिक्सचर लेग लगवा दी है और अब हम इसको फिटिंग करेंगे। अभी थोड़ा सा एडजस्ट करके देखेंगे हम कि हमारे सही जगह पे आ रहा है या नहीं। हल्का सा, ये देखिए, यही है वाल मिक्सचर का फ़ायदा, वाल मिक्सचर लेग का, कि ये अगर आपका वाल मिक्सचर का एरिया जितना भी है वो कवर कर लेता है। और इसमें आप एक चीज देख लीजिए कि वॉशर इसमें लगी हो। अगर वॉशर नहीं होगी तो आपकी लीकेज होगी। गाइस, ये देखिए, अब वाशर लगा दिया हमने और इसमें भी नई वाशर लगा दी है। ये हमारा वाल मिक्सचर फिट हो गया। इस नट को हम अच्छे से टाइट कर देंगे कि लीकेज ना हो। कि वो सीधा गाइस, ये देखिए हमारा फिटिंग हो गई है। और इसमें प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी भी बता रहा हूँ। इसमें क्या था, जो एक्सटेंशन लगी हुई थी अंदर, प्लम्बर ने क्या किया था कि इसकी जो वाल मिक्सचर लेग है ये वाली, इसको ज़्यादा टाइट किया था। टाइट करने से क्या होता है कि जो एक्सटेंशन की थ्रेड थी, वो जितनी थ्रेड थी उससे ज़्यादा आगे चला गया था। उस कसने से क्या हुआ, वो फट गई अंदर से। तो जब तो गर्मियाँ थी तो इन्होंने ये वाला पॉइंट यूज़ नहीं किया। अब जब सर्दियाँ आ गई, इन्होंने गीज़र लगाया और जब इन्होंने चेक किया कि इनको लग रहा था कि नहीं, ये वाल मिक्सचर लेग से आ रहा है पानी, बट ये जब फिटिंग हुई थी तभी ये एक्सटेंशन फट गई थी और ये लीकेज अभी होनी शुरू हुई थी। और हमने ये फिट कर दिया अब। और हम मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट का क्या फ़ायदा है। ये क्लच लगा रहे हैं हम, क्योंकि ये जो वाल मिक्सचर है ये टू वे है। तो अब हम यहाँ पे, इन्होंने शावर का पॉइंट, जो ये देखिए इनका पुरानी फिटिंग है, लगाने से पहले वॉशर चेक कर लें, उस पर हम हैंड शावर लगाएंगे। अब ये देखिए, जो इनकी जो पुरानी फिटिंग है, इन्होंने वाल मिक्सचर बाद में लगाया था, यहाँ पे हेड, जो हेड शावर है उसका पॉइंट यहाँ पे है। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है इनको, इसलिए यहाँ पे ये टू वे है, यहाँ से हैंड शावर का नीचे नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने क्लच लगाया है हैंड शावर के लिए। ये देखिए, हम आपको लगा के बताते हैं, इसको हम ये पॉइंट को हैंड शावर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये पार्ट अकेला मिल जाता है मार्केट में।
अंकल जी अब देखिए ये हम हैंड शावर लगा रहे हैं, ये वाला जो कनेक्शन का पॉइंट है ये यहाँ पे लगेगा, और ये जो ऊपर हुक दी हुई है ये हैंड शावर को होल्ड करने के लिए है, इसमें आपको दोनों चीज़ें मिल जाएगी। ये देखिए ये हमारी फिटिंग हो चुकी है पूरी। अब हम आपको इसकी वर्किंग बताएंगे पानी ऑन करके। ये देखिए लीकेज बंद हो गई है यहाँ से, अब पानी ऑन करेंगे। दीवार बिल्कुल सूखी है, मतलब हमारी लीकेज खत्म हो गई है।